वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का मुद्दा हल होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 विवादित कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, फिर भी आंदोलन खत्म होने की बजाय और हिंसक होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी आंदोलन को लेकर अपनी तलखी दिखा चुका है और कह चुका है कि अगर कृषि कानून रद्द है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो फिर विरोध किस बात का। फिर भी किसान कभी भारत बंद करते हैं तो कभी रेल रोको आंदोलन का ऐलान, और अब किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो भी चिंता का सबब बन रही है। लेकिन अब सरकारें इस पर सख्त होती दिख रही है। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से इसी मसले पर बात की और बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि अब जल्द ही सिंघू और टिकरी बॉर्डर खाली हो जाएगा। तो सवाल देश का है, में आज बात यह कि क्या किसान बातचीत से या कोर्ट की सलाह मानकर अपने आंदोलन को खत्म करेंगे या फिर सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। क्या सरकार शाहीन बाग की तरह ही सिंघू और टिकरी बॉर्डर को खाली करवाएगी? क्या है सीएम खट्टर और शाह का प्लान? तो जिस किसान आंदोलन पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें बनी हुई है, उस आंदोलन की परिणति अब हिंसक आंदोलन के तौर पर हो रही है। आंदोलन की आड़ में कथित किसान नेताओं का घेराव कर रहे हैं, उन्हें बंधक बना रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन पर लगता है विराम लगाने की तैयारी हो चुकी है और इसी के मद्देनजर हरियाणा के सीएम ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की है। देखिए यह रिपोर्ट। अब शाहीन बाग की तरह सिंघू बॉर्डर के उखड़ेंगे तंबू। गृह मंत्री अमित शाह से मिले खट्टर। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उपद्रवियों से खाली कराया जाएगा अवैध कब्जा। अब बस बहुत हो गया। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, दिल्ली के शाहीन बाग में बैठे आंदोलनकारियों को कैसे पुलिस ने एक झटके में खदेड़ दिया था और उनके तंबुओं को समेट कर रवाना कर दिया था। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जब पुलिस प्रशासन अपने पर आता है तो उसको आगे कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिल्ली के अलग अलग वार्ड से देखने को मिल सकती है। जल्दी हाईवे को घेर कर उन पर कब्जा करके बैठे कथित किसानों की छुट्टी होने वाली है और इसकी पूरी तरह से रूपरेखा तैयार हो चुकी है। शाह और खट्टर की मुलाकात के बाद अब यह तय हो चुका है कि सिंघू बॉर्डर जल्द खाली होने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर कानून स्थगित होने के बावजूद कथित किसान दिल्ली की सीमाओं को जाम करके बैठे हैं और इसकी वजह से हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब शायद सरकार ने ठान लिया है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार एक्टिव हो गई है और उसने किसानों के तंबुओं को उखाड़ने की योजना बना ली है। जो किसान नेता है उनको भी पार्टी बनाया गया है, वो सारी रिपोर्ट भी उनको की है और अगर उससे पहले कोई सहमति बनती है तो पहले रास्ता खुलेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके हिसाब से। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ किसानों को लताड़ लगाई थी बल्कि सरकार को भी ढीले रवैये के लिए फटकारा था। कोर्ट ने पूछा था कि जब आम लोगों को परेशानी हो रही है तो रास्तों को खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के इस कब्जे को अवैध बताते हुए सरकार को खाली करने के लिए, यानी कि उस जगह को खाली करवाने के सख्त से सख्त आदेश दे दिए थे, जिसके बाद अब राज्य सरकारें सक्रिय हो गई और पूरी तरह से राजनीतिक हो चुके इस आंदोलन को उखाड़ने की तैयारियां शुरू हो गई। इसकी दूसरी वजह यह भी है
कि किसानों का यह आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा था और कथित किसानों के निशाने पर बीजेपी के नेता ही थे। जहां भी बीजेपी के नेता सभा करने जा रहा हो उस पर अटैक कर दो। किसानों की आड़ में उपद्रवी उन्हें घेर लेते थे। कई जगह तो बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने तक की खबरें भी आई हैं। यूपी में तो एक सांसद के साथ मारपीट तक की गई थी। इस आंदोलन की आड़ में लखीमपुर जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, जहां लाशें गिर रही हैं। इसलिए अब सरकार भी इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में आ गई है, क्योंकि कोर्ट भी कह चुका है कि जब कानून स्थगित है और मामला कोर्ट में है तो सड़कों पर उपद्रव क्यों। तो बिल्कुल सवाल देश का है आज यही कि गृहमंत्री शाह से खट्टर की मुलाकात के बाद अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या जिस तरह से शाहीन बाग के आंदोलन को खत्म किया गया था, वहां के टेंट तंबू उखाड़े गए थे, वैसी परिणति अब इस किसान आंदोलन की होने वाली है? क्योंकि किसान आंदोलन आप देखिए जिस तरह से, चाहे हम लखीमपुर खीरी की घटना ले ले या फिर हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में एक सांसद को जिस तरह से कपड़े फाड़े गए, मारा गया, उनको घेरा गया, और जिस तरह की रणनीति अब इन किसानों के द्वारा अपनाई जा रही है, कथित किसान मैं कहूंगा क्योंकि किसान तो खेतों में काम करता है, किसान मेहनत करता है, अब यह आंदोलन एक तरह से पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है और इस आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता है वो एक तरह से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और लगता नहीं है कि उनको किसानों से कोई मतलब रह गया है, क्योंकि इस आंदोलन की परिणति कुछ लाशों के तौर पर हम लखीमपुर में देख चुके हैं। किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, एक पत्रकार ड्राइवर को किस तरह से पीट पीट कर मारा गया, ये पूरे देश ने देखा, वहां की तस्वीरें, किसानों के ऊपर हालांकि जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन ये भड़काने वाला काम क्यों किया जा रहा है? जगह जगह पर किसान जो है इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जाते हैं तो उनको घेरा जा रहा है और फिर इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि वहां उपद्रव हो, वहां एनआरकी वाली स्थिति हो। तो इसी पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसीलिए सरकार अब सख्ती के मूड में आ चुकी है और क्या अब शाहीन बाग की तरह इस आंदोलन का हल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है या फिर किसान सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर शांति से सड़कें खाली कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बातचीत चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप हमारे पास आए हैं, कृषि कानूनों को सरकार ने स्थगित कर दिया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? सड़कें क्यों आप जाम करके बैठे हैं और क्यों सड़कें खाली नहीं कर दे रहे हैं? तो इस पर बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, कमर खान है, कांग्रेस पार्टी से हैं, प्रवीण अनिता अग्रवाल जी है भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ राजेश जौहरी जी है वरिष्ठ पत्रकार, विजय विद्रोही जी किसान नेता है, और समाजवादी पार्टी से शिल्पी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जाना चाहूँगा, किसान नेता हैं, और मैं पहले इनके पास इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि ये जो राकेश टिकैत के पिता है, जिन्हें बाबा टिकैत कहा जाता था, उनके साथ ही आंदोलन में रहे हैं और किसान आंदोलन को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, समझा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सड़कें खाली कर देनी चाहिए, दिक्कत हो रही है आम लोगों को, और सरकार भी कह रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें खाली नहीं हो रही है। अब आज अमित शाह की मुलाकात केंद्रीय गृहमंत्री से हुई है और कहा जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत हुई है और इस आंदोलन को खत्म करने की रणनीति बन गई है। कह भी रहे थे खट्टर साहब बाहर निकलकर कि अब सड़कें खाली हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खाली सड़कें कर देनी चाहिए, नहीं करेगी तो इस आंदोलन को जबरदस्ती सड़कों को खाली करवाना पड़ेगा सरकार को, यही रास्ता बचा है? वीरेन जी आवाज आ रही है आप तो? शायद वीरेंद्र सिंह जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जी जी, मैं राजेश जौहरी जी के पास जाना चाहूंगा, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार है। राजेश जी, मैं किसान नेताओं के पास जाऊंगा, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया है तो बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी नौबत अब आन पड़ी है कि सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन का कुछ उपद्रवी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह की अराजकता एनआरकी हो रही है, कुछ लाशों के रूप में परिणति हमारे सामने आ चुकी है शाहीनबाग लखीमपुर खीरी में, तो क्या अब सरकार के पास यही रास्ता बचा है कि सख्ती करके इस आंदोलन को खत्म किया जाए? जी जी जी
जी राजेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं राजेश कमर खान साहब है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। कमर खान साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या इस पर प्रतिक्रिया है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आंदोलन की परिणति जो अब सामने आ रही है वो हिंसक होता हुआ दिख रहा है। आंदोलन जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था किसानों का, वो अब लगता है कि कुछ अराजक तत्वों के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है, और इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लाशें गिरी लखीमपुर खीरी में, कुछ किसान भाई मारे गए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार और एक ड्राइवर। तो आपको लगता है कि अब सरकार के पास यही विकल्प बचा है कि जैसे आप लोगों ने बाबा रामदेव का आंदोलन खत्म करा दिया था, वैसे इस आंदोलन को खत्म करा देना चाहिए सरकार को? सुनील राव जी, ये आपका सवाल जो है जी, ये मैं समझता हूँ कि किसान कभी आंदोलित नहीं हुआ, करना कभी आंदोलन किया इसने। यहाँ पर आपके हिसाब से जो है, जो कह रहे हैं कि अराजक तत्व जो है घुस गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के ही अपने गुंडे जो है इसमें पेश किए जाते हैं, जो अराजक बन के जाते हैं, उनके बीच में जो उपद्रव करते हैं, उसके बाद जो है उनके जो है शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात रही है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं न्यायालय का जो है सभी सम्मान करते हैं, भारतवासी हमेशा सम्मान किए हैं, कभी जो है हमारे किसान भाई न्यायालय के विपरीत जाके कोई भी कार्य ऐसा नहीं किए हैं जिससे हमारे न्याय के खिलाफ कोई आज तक जो है उंगली उठी हो। ये बीजेपी के गुंडे ही उसमें जाते हैं और उपद्रव करने के लिए, किसान को बदनाम करने के लिए ये कार्य करते हैं। कभी इस तरह से जो है आज जो है लखीमपुर की घटना अगर हुई है, तो उसमें जो है गिरिराज मंत्री के अगर कोई बेटा इस तरह से जो है जाके उसमें कुचल दे पीछे से, और उसके बाद गिरिराज मंत्री घर पे आज बैठ के ये कहे हमसे कि हमारा बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे टेस्ट कर दिया जाएगा, ये न्याय का सम्मान है क्या? आम आदमी होता अभी यहाँ पर तो क्या उसको आप बैठा के रखते इस तरह से, कहते कि नहीं उसकी तबीयत खराब है? आपका सुनील जी, इसमें पूरे के पूरे घर के बच्चों तक, रिश्तेदार नातेदार तक को उठा ले जाते हैं, हवालात में बंद करके उनको टॉर्चर करते हैं, उनके नजरे बर्बाद कर देते हैं। आप चप्पा करते हो जाके, चप्पा करते हो जाके जो है उनके दरवाजे पे चप्पा करते हो कि मैंने नोटिस चप्पा कर दी? क्या वहां गिरिराज मंत्री जी वहां मौजूद नहीं थे उनके हाथ में इसको सर्व करते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे, इनको थोड़ा सा इस्तीफा देना चाहिए। किसानों को आप कहते हैं कि किसान उपद्रवी हो गए हैं, किसान उपद्रवी है ये? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कमर साहब कि किसान उपद्रवी हो गए, लेकिन लखीमपुर में लाशें गिरी, आपने तस्वीरें देखी होगी कैसे लाठी डंडों से पीट पीट कर लिंचिंग की गई, तो क्या वो किसान थे आपके मुताबिक जिन्होंने लिंचिंग की है? लिंचिंग मान्यवर, आप पहले उसको पूरा फुटेज देखिए, लिंचिंग हुई है कि पीछे से गाड़ी को चढ़ाई, जो मैंने नहीं नहीं उस पर भी हमने बात की, उस पर हमने बात की, गाड़ी चढ़ाने वाला दूसरी है, लेकिन इस देश में तालिबान का शासन नहीं है कमर खान साहब, तालिबान का शासन नहीं है, क्या मौका वारदात पर सजा दे देंगे? आप पकड़कर उसको कानून के हवाले करेंगे, कानून से उसको सजा मिलेगी? आप ये करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कमर खान साहब, आपको क्या लगता है कि इस देश में तालिबानी राज होना चाहिए? आप समर्थन कर रहे हैं उस घटना का? तालिबानी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हर एक मुसलमान हिंदू भाई, आप इस घटना का समर्थन कर रहे हैं? आपने कहा कि पीछे मुड़ के देखिए, जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, अगर कानून किसी ने हाथ में लिया है, हादसा किया है, गाड़ी चढ़ाई है, उसको कानून सजा देता सर, उसको आप कह रहे लाठी डंडों से पीटा गया, सही किया गया, आप समर्थन कर रहे घटना का? मैं 100 रुपए डीजल और 110 रुपए पेट्रोल और 250 रुपए के सरसों का तेल खरीद लो, और तो आप जो है कहते हैं अच्छे है, आप देशभक्त है, आप देशभक्त जो है तब होता है। कमर खान साहब, मेरा सवाल क्या है, आप पेट्रोल डीजल पर पहुंच गए, मेरे सवाल पर आप आइए, सवाल का जवाब दीजिए, क्या उस घटना का समर्थन आप करते हैं? क्या उस घटना का आप समर्थन करते हैं कमर खान साहब, जो पीटा गया, जो लिंचिंग की गई, उसका समर्थन आप करते हैं? आज अगर कांग्रेस इस मुद्दे को न उठाते तो आप इस जो हत्यारा है राजमंत्री का बेटा, इसको आप जो है तत्पर आरिफ करने की कोशिश न करते। मैं कमर खान साहब, मेरी आवाज या तो आप तक पहुंच नहीं पा रही या आप बोलना नहीं चाह रहे, मैं कह रहा हूं क्या आप उस घटना का समर्थन करते हैं? क्या जो लिंचिंग हुई है वो ठीक है? लाल किले के ऊपर
लाल किले के ऊपर झंडा फहराते हुए पकड़ा गया बीजेपी का लीडर, उसको आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया? उसकी जो है आज तक कौन सी कार्रवाई हुई, किसी के सामने आया? जो अमित शाह अमित मोदी जी के साथ उसकी फोटो है आज तक प्रचलित। कमर खान साहब, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं या जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सुनना चाह रहा हूं सर, जी बताइए। जी कमर खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप उस घटना का समर्थन करते हैं? वो लिंचिंग जायज थी? मेरा ये सवाल है आपसे, क्योंकि आप उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसके पहले क्या हुआ देखना चाहिए। तो क्या अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो इस देश में उसको मर्डर करने का हक मिल जाता है? या कानून है इस देश में, पुलिस है? मान्यवर, खून का मर्डर करने का मतलब ये नहीं, मर्डर ये मैं भी जानता हूं जी, लेकिन आपने कहा, आपने कहा कि पुरानी घटना हमें देखनी चाहिए, आपने उसका समर्थन किया। घटनाएं मैंने पुरानी घटनाएं आप पुरानी आपके यही सबसे बड़ी परेशानी है कि आप बात को कहीं और ले जाकर तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि वहां पर किसानों के ऊपर जिस तरह नियते किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ी को चढ़ाया जाता है, हमने फुटेज देखा है। और जो लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं, लिंचिंग कब हुई है, कैसे हुई, ये आप पेश करिए उसका वीडियो क्लिप। तो मैं यही कह रहा हूँ कमर खान साहब, जैसे भी लिंचिंग हुई, क्या ये जायज है नाजायज है? मेरा ये सवाल है आपसे, क्या लिंचिंग को आप समर्थन करते हैं? अगर कोई किसी पे गाड़ी चढ़ा देगा तो क्या भीड़ को ये हक मिल जाता है कि वहां उसको पीट पीट कर मार दे? गाड़ी चढ़ाने वाला निसंदेह दोषी है, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा कौन देगा? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे चीजों का समर्थन करके आप क्या चाह रहे हैं? इसी तरह लिंचिंग की जाए लोगों की? थ्री प्लांट लिंचिंग होती है तो थ्री प्लांट लिंचिंग कहा जाता है? लिंचिंग थ्री प्लांट नहीं है, ये घटना का रिएक्शन है। अच्छा, ये कौन से कौन सी जांच टीम के आप रिपोर्ट बता रहे थ्री प्लांट नहीं थी? क्या कांग्रेस जांच दल या कांग्रेस की कोई पुलिस है, कांग्रेस की कोई टीम है जिसने जांच कर ली और जांच रिपोर्ट सौंप दी कि प्री प्लांट नहीं था? कहां की रिपोर्ट है आपकी, किस रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं आप? बताइए ना रिपोर्ट, आप बता रहे हैं लिंचिंग हुई है, लिंचिंग कहां से हुई आप बताइए। मैं तो तस्वीरें को हवाले से कह रहा हूं सर, वीडियो है सामने, आपने देखे उन वीडियोस को? कहां है लिंचिंग, कब हुई है, एक्सीडेंट से पहले के इंसिडेंट के बाद? मैं एक्सीडेंट के बाद की बात कर रहा हूं, एक्सीडेंट के बाद की बात कर रहे हैं ना जी। अगर मुझे कोई आके सड़क पे मेरे ऊपर अगर गाड़ी ठोक देगा मेरे ऊपर, तो बता भैया मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, क्या तुम कहते भैया आज जो है चाहते जाइए। अच्छा, मतलब अगर कोई आपका एक्सीडेंट कर दे, हमारा एक्सीडेंट कर दे, तो हम वही उसको पीट पीट कर मार दे, ये कह रहे आप? अगर कांग्रेस का शासन आता इस देश में तो आप ये कानून लागू करवाएंगे? मतलब कि अगर आपके साथ कोई मर्डर करता है, हत्या करता है, अपराध करता है, तो आपको छूट मिल जाती है लिंचिंग करने की? ये राज आप लाना चाहते हैं इस देश में? ये है कांग्रेस का प्लान? कांग्रेस के शासन में जब भी कोई घटना नहीं, नहीं नहीं, आप मुझे तो आपका अंदेशा और विचार यही लग रहा है सर, आप जायज ठहरा रहे कि अगर कोई घटना होती है तो आपको अधिकार मिल जाता है लिंचिंग करने का? ये कांग्रेस की योजना है? सरकार में अगर आप आए तो ये करेंगे, तालिबानी शासन लाना चाहते इस देश में? आप रावत जी इस तरह से जो है कहते हैं मुद्दों को भटकाइए नहीं, लिंचिंग कब हुई है? कमर खान साहब, आप साफ साफ तौर पर बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, चल रहा है लाइव, पूरा देश सुन रहा है आपको, आप लिंचिंग की घटना का समर्थन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं मरोड़ रहा हूं आपकी बात को? राहुल गांधी जी की तरह बात मत करिए सर, फंस जाते हैं वो भी, आप भी फंस रहे हैं, वो भी फंस जाते हैं बोल के, आप भी फंस गए। अब आप उसको, मैं फंसा नहीं हूं, अब उस पे आप बैंडेड लगाएंगे, पट्टियां लगाएंगे, आप फंस रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा कमर खान साहब। आ रहा हूं मैं आपके पास, बाकी लोग सुन रहे हैं, राजेश जौहरी जी हंस रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आ रहा हूं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, पहला सवाल मैं उन्हीं से पूछ रहा था, उनसे टेक्निकल कुछ इश्यू था। वीरेंद्र जी, क्या अब सरकार के पास एक ही विकल्प है कि ये जो आंदोलन अराजक हो चुका है? एक वक्त किसानों का आंदोलन था, मान सकते हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में अराजक तत्व घुस चुके हैं, ये पूरा देश देख रहा है, उसकी परिणति लाशों के तौर पर हमारे सामने आ रही है, तो क्या अब नहीं लगता है कि सरकार को सख्ती से इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है किसान मानने को तैयार नहीं है? देखिए राहुल जी, ये आंदोलन हुआ बड़ी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे भी हुआ जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर बात होकर मसला हल हुआ है, राकेश गए जाके उन्होंने बात करी, सरकार के लोग थे वहां, अफसर थे बड़े, वहां जाके बात हुई, तो एक डेडलॉक जो है वो टूटा, डेडलॉक टूटा बातचीत का, जो 10 महीने से नहीं हो रही थी। अगर आज भी चीफ मिनिस्टर हरियाणा मिलके गए कहीं से, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी
कुछ मामला खुलेगा। तो मैं नहीं समझता सरकार को जहां 10 महीने रुका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये जो मेरे से पहले खान साहब बोल रहे थे, ये खान साहब राउत जी ये कांग्रेस के हैं, कहां से हैं ये? जी कांग्रेस से, कांग्रेस के पार्टी की ओर से। ये भूल गए, मैं कलयुग ये कौन से खान साहब में याद दिलवा दूं। सन 88 में बोट क्लब पे धरना था किसान यूनियन का, पहली बार किसान दिल्ली में आया था दरवाजा खटखटाने, वो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आया था किसान, और इन्होंने खाने की ट्रॉलियों पे इनकी सरकार ने गोली चलाई थी। मुझे बनागर के 2 लड़के शहीद हुए थे, जवान लड़के, इन्हें तो पता है ये नए नए कांग्रेसी बने, बोलने का मौका मिल गया, अपना बकवास करो जो कुछ भी, और पता नहीं कितनी बातें हैं। किसान के साथ जो लाल किले में हुआ, देखिए राउत जी, जो लाल किले में हुआ सरकार को स्टर्न एक्शन वहां लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं लिया, सरकार चुपचाप बैठी रही, इनके हौसले बुलंद हुए और नतीजा लखीमपुर कांड। अगर अभी भी चुप, अगर बात नहीं होती, बात से बात नहीं बनती, निश्चित तौर से सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी, वरना लखीमपुर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनगिनत की इतने एपिसोड होंगे। ये सरकार को सोचना है, या एपिसोड करवाने या इसका हल निकालना है, लेकिन निश्चित तौर अगर लाल किले के बाद कुछ होता तो ये हौसला नहीं होता था। राउत जी, इस आंदोलन का एजेंडा कुछ और है, इसके पीछे कुछ और लोग हैं, ये बात साबित हो गई है। खान साहब कह रहे के साथ वो बैठे रहे और हाथ जोड़े, तलवार लेकर आए थे क्या आंदोलन में? वे लाठी डंडे किस लिए लाए थे? क्या कमी थी? अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वे जो 4 तो चले मर गए, इन्होंने किसान के नाम पे लिख दिए, वे जो 4 गरीब और मरे, ड्राइवर पीट पीट पे मारा गया। राहुल जी, इसी तरह से 2013 में कवाल गांव में, इसी तरह बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमने तस्वीरें दिखाई थी, कांग्रेसियों ने चश्मा दरअसल दूसरा पहन रखा है, वहां पर भिंडरा वाले की टी शर्ट पहने हुए युवा मौजूद है उस लखीमपुर खीरी में, और उसी युवा को हमने पंजाब में भी दिखाया था, तो वो युवा लखीमपुर में कहां से आ गया? क्या उपद्रवी तत्व शामिल नहीं थे उसमें? अरे राहुल जी, एक पन्नू नाम का आदमी है जो कनाडा में बैठा, उसकी वीडियो घूम रही है, देख लो, इन्हें एनआरसी करनी थी, इनका मकसद कुछ और है, ये जानबूझ के मौके की तलाश कर रहे थे, अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट ना होता तो कुछ और करते, इन्हें करना था, ये इस काम के लिए बने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कमर खान साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। राजेश जौहरी जी हमारे साथ, वो बहुत देर से सुन रहे और आपकी बातें सुन सुनकर हंस रहे, क्योंकि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो टीवी पर करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग का समर्थन कर रहे हैं। राजेश जौहरी, और आपकी मकसद क्या है इस आंदोलन के पीछे, वो आपकी इन बातों ने बता दिया। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की कांग्रेस टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं और उस घटना का समर्थन कर रहे हैं, लिंचिंग का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे गाड़ी अगर कोई चढ़ा दी जाएगी तो क्या किया जाएगा, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, तो ये तो पैरवी कर रहे हैं कि भैया इस देश में मर्डर के बदले मर्डर होना चाहिए। मुझे आवाज डाउन करनी पड़ी, खान साहब जौहरी साहब को सुन लीजिए, आप कुछ कह रहे हैं साहब, आप लोग जो है ना, आप लोग पॉलिटिक्स में हैं, सुनने की भी आदत डालिए, बोलने की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आप लोगों की। देखिए सुनने को तैयार हूँ, बिल्कुल सुन रहे हैं ना, इसलिए देखिए इन्होंने जो शुरुआत, जो सबसे पहली बात ये है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, हर किसी को अधिकार है आंदोलन करने का, पर ये अधिकार नहीं है कि सड़कें जाम कर दो, ये अधिकार नहीं है कि वहां के लोगों को बिल्कुल उनको बंधक बना लिया जाए। आप सिंधु बॉर्डर के लोगों की स्थिति देखिए ना, उन कॉलोनियों की स्थिति देखिए, अच्छी महंगी महंगी कारें पथरीले रास्ते में से बेचारे निकालते हैं, कभी उनका नीचे का टैंक लग जाता है, कभी कोई नुकसान हो जाता है, कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी को जब वो लेबर वाली जो गाड़ी होती है उसको निकलना मुश्किल हो जाता है, इनको उसकी चिंता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एज ए पत्रकार जो हमने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है कि ये जो इनकी बहुत अच्छी किस्मत है, जो 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 भी आंदोलन ये कथित किसान है या किसान है, तो इनकी बहुत अच्छी किस्मत है कि ये ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहां भाजपा के कंट्रोल में वो चीजें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। अगर इस तरह का ये आंदोलन कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करके देखें, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ करके देखें, कभी ये केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ करके देखें, तब इनको पता चलेगा, जैसा कि चौधरी साहब ने अभी बताया कि वो खाने की ट्रॉली पे गोलियां चली और किसान मर गए, ऐसी स्थिति आज तक, और ये चाह रहे हैं कैसे भी करके एक बार गोलियां चल जाएं ताकि पूरे पूरी दुनिया में देश बदनाम हो जाए, पहले ये तो सेकंड बात थी। तीसरी बात ये है कि अभी हाल ही में कांग्रेस लीडर का हमने इंटरव्यू किया था,
लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इस समय अच्छा नहीं रहेगा किसी तीसरे आदमी का, जब वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका उससे उसके बारे में उसका नाम लेना। लेकिन उनसे हमने कहा कि आप तो गलतियां बताओ, इस पूरे कानून में क्या गलती है, ये जो तीनों आप कह रहे हो तीनों काले कानून तो कैसे काले हैं ये बताइए। तो काफी देर बहस होती रही, जैसे खान साहब इधर उधर घुमा रहे थे वैसे उन्हें भी घुमाया, फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि नहीं यार कानून अगर हमारी सरकार भी होती तो रिफॉर्म्स में यही कानून आते। फिर कहने लगे कि लेकिन सरकार का तरीका ठीक नहीं था, उन्होंने किसानों को विश्वास में नहीं लिया। तो और आप बताइए, एक लोकतांत्रिक सरकार में लोकतंत्र में सरकार बनती है, कैबिनेट बनती है, पहले बिल जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरकर फिर कानून बनता है, और कौन सा तरीका है कानून बनाने का। चौथी बात यह है कि चौधरी साहब ने जो अभी अभी एक बात बोली है कि इसके पीछे कुछ और लोग हैं, तो इसके पीछे भी हम लोग एक काफी लोगों ने काफी रिसर्च करी है और बहुत सारी चीजें अभी अपने सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के जो विभिन्न साधन है उन पे उपलब्ध है कि ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा जैसे लोग बिना किसी कारण से अचानक कूद पड़ते हैं और अचानक एक दिन आते हैं और अगले दिन गायब हो जाते हैं। इट इज दिस इज नॉट अन ऑर्डिनरी इवेंट, ये आप मान के चलिए। और ये जहां तक ये इसके पीछे जॉर्ज सोरोस नाम का एक आदमी है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको सब चीजें आजकल गूगल का जमाना है, इंटरनेट पे मौजूद है, इंटरनेट का जमाना है, कि ऐसा नहीं है कि राजेश जोहरी ने कहा इसलिए मानना पड़ेगा, सब कुछ सब जगह अवेलेबल है। बस हमारा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा राजनीतिक चश्मा ऐसा होता है कि हमें वो चीज नहीं दिखती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जोहरी साहब मैं आऊंगा आपके पास, बाकी और भी मेहमान है, विजय विद्रोही जी हमारे साथ किसान नेता, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। विजय जी, बॉर्डर्स पर हम भी गए, हमने भी रिपोर्टिंग की है, मैं सिंगू बॉर्डर भी गया हूँ, टिकरू भी गया हूँ, खुद गया हूँ, हमारी टीम भी वहाँ गई है, लेकिन चूंकि हम वहाँ जाते हैं तो हमारी रिपोर्टर्स को बंधक बना लिया जाता, पकड़ लिया जाता है, क्योंकि हम असल सच की बात करते हैं। तो हम बाकी जो बॉर्डर के आसपास के असल किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे थे, हम उनके पास गए, मैं मुजफ्फरनगर भी गया हूँ, मैंने ग्राउंड पर टिकैत साहब के क्षेत्र के किसानों से बात की है, सब किसानों ने यह बात की है कि भाई हम, मैंने कहा आप बॉर्डर पे क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा हम बॉर्डर पे चले जाएंगे तो खेतों में हमारा काम कौन करेगा। तो हमने पूछा कि बॉर्डर पे कौन है, तो उन्होंने कहा ये तो सब खाली लोग हैं, ये किसान नहीं है। उन्होंने जो किसान थे खेतों के, उन्होंने सबसे पहली बात उनको नकार दिया, बोले कि किसान ही नहीं है, किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं तीन तीन चार चार पाँच पाँच महीने बैठ कर आंदोलन करें। दूसरी बात, उन्होंने इन काले कानूनों से पर जो बात हुई वो हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म में पढ़िए, लेकिन जो सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर के आसपास के जो लोग थे, जो किसान थे, वो बहुत त्रस्त दिखे हमें आंदोलन से। उन्होंने कहा कि किसान हो ही नहीं सकते, ये हम जैसे किसानों को परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, स्कूल जाने में परेशानी होती है, हमें बाजार जाने में परेशानी होती है। तो आपको नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, आपसे कह चुका है कि भैया होल्ड है कानून, तो इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए, या आपको लगता है कि सरकार सख्ती करे, जैसे कांग्रेस सरकार ने बाबा रामदेव के आंदोलन पर की थी, रातों रात फिर भागना पड़ा था, ऐसे ही आपके किसान आंदोलन के साथ किया जाए, ऐसे प्लानिंग में इंतजार में आप कि सरकार सख्ती करे तभी हम उठेंगे, जैसे शाहीन बाग उठा, जैसे कांग्रेस ने उठाए थे, बाकी आंदोलन उठते हैं। नहीं, पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए जी, शाहीन बाग में कोई जो है कोविड के समय उन्होंने अपने आप ही गिरता था, शाहीन बाग में नहीं, नहीं वो तस्वीरें थी विजय जी, तस्वीरें थी जी, और जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, तो एक बात समझ लीजिए, इस किसान आंदोलन को सख्ती करके अगर आप रिप्लेस कर भी देंगे तो ये अपने दूसरे रास्ते ढूंढ लेगा, ये आंदोलन रोकने वाला नहीं है, और ये जितने नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किसान भी इसको उठा रहे हैं, आपने, मैं आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो आपने पहले बताया कि वहां लिंचिंग हुई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल जी, शायद विजय जी आपकी आवाज में कुछ समस्या है, आवाज आ नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है आपकी आवाज में, उसको मैं ठीक करके, जी जी मैं आवाज आपकी कुछ दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, मैं आवाज ठीक करके आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से अनिता जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से। अनिता जी, सवाल यही है, किसान नेता वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा, राजेश जौहरी जी ने भी ये कहा, और हम एक दिन इस पर डिबेट कर चुके हैं कि क्या आप इस आंदोलन को नजरअंदाज करके इसको आप इस परिणति तक जाने दे रहे हैं कि लाशें गिरे, किसानों की कुछ लाशें गिरे, आपको सख्ती करनी चाहिए थी, आप लाल किले में जो हुआ उसके बाद आपने सख्ती नहीं की, और अब लखीमपुर खीरी की
घटना हमारे सामने, तो क्या अब जिस तरह से खट्टर साहब और आज गृहमंत्री की मुलाकात हुई, तो उम्मीद करें हम कि कुछ आप समाधान या तो बातचीत से निकाले, किसानों को हटाएं या कुछ इस तरह का, क्योंकि ये आंदोलन अब अराजक होता जा रहा है और लखीमपुर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे चौधरी साहब ने कहा ये होता रहेगा क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, बाकी और राज्यों में, तो आपको लगता है कि इस आंदोलन पर भी फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है? देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के आंदोलन के लिए शुरू से बराबर कहा जाए कि वार्ता कर सकते हैं हम, और हमने कहा कानून में जो भी आप सुझाव देंगे हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, और बराबर कई बार इन लोगों के किसान नेताओं की हमारे मंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री से बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत में इन्होंने ना कोई हमें ऐसे संशोधन, ये केवल एक जिद पे हटे हैं कि पूरे कानून वापस लीजिए, तो कानून तो जो बन गया वापस नहीं हो सकता है क्योंकि कानून पास होता है उसका, लेकिन आप संशोधन कर सकते हैं, हम कानून में संशोधन, आप हमें सुझाव दीजिए हम संशोधन कर देंगे, लेकिन एक जिद पे जोड़े रहना बात है ये गलत है, और कानून खाली एक किसी के लिए नहीं बना, कानून कई बने, धारा 370 हटाने का भी कानून बना है, आप कल वो कहेंगे ये भी कानून को वापिस लीजिए, तो कानून वापिस नहीं होते हैं, संशोधन आज ये बताइए जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेक रही है वो कश्मीर पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? नहीं नहीं अनिता जी, आप कहां कश्मीर पे चली जा रही, मौका तो आप ही दे रहे हैं आंदोलन को, आपको कंट्रोल करना चाहिए, सत्ता में आप है और आप राजनीतिक दलों को ये कर रहे हैं। मैं शिल्पी जी से एक छोटा सा कमेंट ले लूं फिर हमें ब्रेक पे जाना है। शिल्पी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आंदोलन की परिणति हिंसक होते जा रही है, आपको भी नहीं लगता है? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को शांतिपूर्वक हट जाना चाहिए या तो फिर सरकार को सख्ती करनी चाहिए, आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी के नाते, क्योंकि आंदोलन हिंसक होते जा रहा है आपको पता है, और हो सकता है कि आज इन किसान नेताओं के, किसानों की आड़ में जो उपद्रवी घुस जा रहे हैं उनके निशाने पर एक पार्टी के नेता है, कल हो सकता है आपकी पार्टी के भी नेता जाए, परसों हो सकता है जो कांग्रेस समर्थन कर रही है उनके नेता भी निशाने पर आ सकते हैं, ऐसा इतिहास में हमने देखा है, क्योंकि आंदोलनकारी जो होते हैं उपद्रवी होते हैं वो किसी राजनीतिक दल को या किसी को बख्शते नहीं है। फिर जी मैं बोलूं प्लीज, हमारे बीच में मत बोलिए, पूरी बात सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आज इनकी कोई कांग्रेस की यहाँ पे जमीन नहीं है, और वो पंजाब से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ मुझे लगता है शिल्पी जी की भी आवाज में कुछ दिक्कत है, शिल्पी जी की भी आवाज में कुछ दिक्कत है, एक वक्त ब्रेक का हो चला है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक में हम इस जो तकनीकी दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद जारी है सवाल देश का है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।